जहाँ भाई भतीजा रहता है वही मायके। इस बार हमारे भाई भतीजा सभी को देखिए। तो ये जी आ गया कानपुर स्टेशन का प्लेटफॉर्म। तो इधर मम्मी सब बैठ गई ऑटो में। तो मम्मी पहुँच गए जी अपने मायके। आगे तुम्हारी दोनों भतीजी। तो ये हमारी मामी जी है। मम्मी जो है अभी टूर पर निकली है। एक बार पहले भाई के यहाँ जाएगी, फिर उसके बाद बहन के यहाँ जाएगी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी हम लोग हैं ट्रेन में और कुछ ही देर में जो है हम लोग पहुंच जाएंगे कानपुर। क्रियांश जो है ऊपर सो गया है। क्रियांश जब ऊपर सोया तो जिया को भी कहे तुम भी जा करके सो जाओ। शायद रात में जो है जिया को सोने भी नहीं दिया क्योंकि जिया को डर लग रहा था कि उसके शरीर पर से छलांग मार के नीचे नहीं आ जाए। तो इसी वजह से जो है ऐसा रहा कुछ। तो हम कहे कि चलो अभी सब लोग जगे हुए, तुम सो जाओ आराम से, सभी लोग कोई बात नहीं देख रहे हैं। और फिलहाल मम्मी के लिए हमने मंगवाया हुआ था खाना। मम्मी ने जो है ट्रेन का खाना नहीं खाया, मम्मी को पसंद नहीं है। यहाँ देखिए खा रही है आलू का चिप्स, यही चल रहा है। हाँ, वहाँ मायके जाएंगे तो वहाँ खाएंगे। अच्छा हाँ, तो मामा जी का भी फोन आया था और पूछ रहे थे ना कि क्या क्या खाना बनवाएंगे। अच्छा, भी खाना बहुत खुशी है। जहाँ भाई भतीजा रहता है वही मायके। बिल्कुल, मेरा मायके तो सहरसा है लेकिन मेरा भाई वहाँ नौकरी किया जीवन भर। सही बात है, भतीजा वहाँ रहता है। तो हमारी बहन भी आ रही है वहाँ रिसीव करने के लिए और कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो उनका अपना है खुशी कि अब जाएंगे लेने के लिए भैया को और अपनी फुआ को। तो वो आ रही है, तो चलिए उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। उन सभी से आपको जो है कभी वीडियो पर मुलाकात करवाई भी नहीं है। हमारी दोनों मौसी को देखा है, उनके परिवार को देखा है। इस बार हमारे भाई भतीजा सभी को देखिएगा। इस बार सभी को आप देखिएगा। बाकी जी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और फिलहाल जो है माँ बहुत कम ही जाती है कि पापा को अकेले घर में छोड़ करके। इस बार जो है मम्मी चल रही है साथ में। मेरी बहन बेटी है, वो घर बनाई थी, गृह प्रवेश में हम नहीं जा सके थे किसी के घर में। और मेरा भाई है, बहुत दिन से हम नहीं गए तो सोचे जाते हैं। एक तरफ खुशी है, एक तरफ थोड़ा लगता है कि उनको खाने पीने में दिक्कत हो गई। वैसे कटिहार शहर है, वैसे खाने पीने में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हमारी पड़ोसी सब इतने अच्छे अच्छे सब है। हाँ, हमारी वहाँ पर बहन है, हमारी फुआ है, हमारी चाची मौसी सब है पड़ोसी में हमारी। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ हमारे पड़ोस के लोग बहुत अच्छे हैं। जहाँ लोग रहता है वही समाज है, वही परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग हमको लगता है कि वो लोग सभी देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें से एक पूजा दी है, वो कही भी थी ना कि शाम में पहुँचा देंगे रोटी। और प्रियंका की माँ। अच्छा, आंटी जी भी कही थी। A few moments later. अभी अगला स्टेशन जो है कानपुर ही है और हम लोग जो है यहाँ पर आ गए गेट के पास। सारा सामान सब जो है यहाँ पर देते हैं, देख सकते हैं सारा सामान सब इधर है। बस इंतजार कर रहे हैं मम्मी के आने का और जिया के आने का। जिया जो है क्रियांश को पहले ठंडा देती है। अंदर तो ठंडा नहीं है, इसी अपार्टमेंट का, लेकिन बाहर तो ठंड लगी इसलिए तो उसको पहना रही है। ये जी आ गया कानपुर स्टेशन का प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगेगी और अच्छा है कि हमें जो पुल पर नहीं चढ़ना पड़ेगा, सामान जो है बस नीचे नीचे ही चला जाएगा। उठ गया क्रियांश। हे क्रियांश, हे हे, अच्छा महिषा, बाय महिषा, बाय। उधर हमारी सिस्टर सब उतरो उतरो, आराम से गैप है थोड़ा, उतरो उतरो। तो हमारी यहाँ दोनों बहनें आ गई, उपासना सीलू, खुश रहो, बड़ा अच्छा लग रहा है तुमको, पैर छूता है, लगता है हम भी बड़े हो गए। आगे तुम्हारी दोनों भतीजी, बहुत आगे चलना पड़ा तुम लोग को, थोड़ा मेट्रो बन रहा है उधर, कानपुर में भी मेट्रो, वाह। तो इधर मम्मी सब बैठ गई है ऑटो में। यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है इनका घर। और क्रियांश हाँ ये भी जग गया अपना और इन सब के बीच में बैठा हुआ है। क्या क्या दिख रही है, तो चैनल दिख रही है वीडियो, वाह यहाँ भी वीडियो नजर आ रहा है अभी। चलो बैठ जाओ, पास कोई दिक्कत नहीं ना, बैठ गई ऐसे तब ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो पहुंच गए जी फाइनली अपने मामा जी के घर और जैसे ही यहाँ पर आए क्रियांश की कुछ रिपोर्ट मिली हमें। क्या 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 उपासना, ये तोड़ दिया प्याज का टोकरी गिरा दिया। अच्छा ये अपना खेल में लग गया, इसको सीढ़ी बहुत पसंद है, ऊपर चढ़ेगा, इसको ऊपर चढ़ने बहुत मजा आता है। तो मम्मी पहुंच गए जी अपने मायके और फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नाश्ता पानी सब लग चुका है और बहुत ही वैरायटी का है यहाँ पर। और यहाँ पर कोई खाने वाला नहीं लग रहा है, सिर्फ अकेले हम ही खा रहे हैं, कोई नहीं खा रहा है यहाँ पर। हाँ तो यहाँ पर है जी हमारी मामा जी और यहाँ हमारी रही मामी जी।
लोग सब बोलते थे आप लोग कि आपका भाई कहाँ रहता है। आज मुझे अपार खुशी हो रही है कि अपनी मैं क्या है। मैंने व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाया। अच्छा व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाया है, अरे वाह। अपार खुशी होती है। हाँ और बहुत बात है जो कि वीडियो में या दूसरे जगह व्यक्त नहीं किया जाता है। और जो अभी अतीत को देखते हैं और वर्तमान को देखते हैं तो जितना बार भगवान को धन्यवाद वह कम ही होगा। आप लोग समझने वाले होंगे तो सबको समझ जाएंगे। अभी बज रही थी सुबह के 8:20 और हम लोग जो है लगभग यहाँ पर 6 बजे ही सो करके उठ गए थे। और यहाँ पर सवेरे ही उठना हो जाता है जबकि हमारा जो रूटीन रहता है वो 8 बजे 9 बजे से पहले हम उठते नहीं है। और फिलहाल जो है अपना क्रियांश महाशय जो है शायद बाहर मस्ती कर रहा है और सभी को जो है यहाँ पर बिजी रखा हुआ है कि समय का पता ही नहीं चलता है कैसे बीता। बिल्कुल हम लोग का बातचीत करते करते ही जो है अच्छा खासा समय बीत जा रहा है, समय का पता नहीं चलता। और हम लोग का प्लान है कहीं जाने का, लोग जो सोच रहे हैं कि यहाँ जाए पनकी धाम मंदिर। मोदी ने भी पनकी मंदिर का जिक्र किया था आपने। अच्छा किया था कब? जब यहाँ मेट्रो का वो करवाने आया था। अच्छा उद्घाटन हो रहा था इनॉग्रेशन में। अच्छा वाह, पनकी वाले बाबा ने उनको बुलाया है। अच्छा देखो भाई तो मेरा प्रिय है लेकिन उससे भी ज्यादा प्रिय भतीजी भतीजा होता है, मेरा ब्लड उसी में है। सही बात है, वंश के हम लोग वही बात है। अपार खुशी होती है इन लोग को देख करके और जब देखे तो लगता है कि निहाल हो गए। बिल्कुल ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि लोग को भगवान इतना तरक्की दे कि नीचे से लोग को ऊपर तक देखे। हे क्रियांश क्या चल रहा है? अरे तो 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 हे 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 अरे तो 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 क्या ऊपर चलना है? क्रियांश को सीढ़ी दिख गया है और क्रियांश चाह रहा है अपना सीढ़ी पर चढ़े। हाँ ये बस वाह 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 क्रियांश पसना थोड़ा पीछे पीछे वहां से आह नहीं हो जाए कभी। 20 मिनट्स लेटर मेरी बहन दिल्ली मुंजार कर रही है जो कि लोग कब आएगी। मुझे तो लगता है कि दिल्ली कम है कि कानपुर कम है, पते नहीं चल पा रहा है। अच्छा कहाँ जाए किसको छोड़ दे। वाह तो मम्मी जो है अभी टूर पर निकली है। हाँ। एक बार पहले भाई के यहाँ जाएगी फिर उसके बाद बहन के यहाँ जाएगी और एक और बहन तो नजदीक में ही है। हाँ। असली मायके में तो वही है। अच्छा हाँ। लेकिन अंतर इतना ही है कि जहाँ भाई भतीजा रहता है मायके वही बन जाता है। हाँ। तो रोज फोन पर बात करके अपना दिल को तसल्ली दे देती है। हाँ। कि हर हाल चाल जान ले सबका। लेकिन उनसे भी बहुत जल्दी मुलाकात होने वाला है, एक फंक्शन है घर में जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होंगे। और फिलहाल हमारे मामा जी का कुछ दिखाते हैं आपको तस्वीर सब, तो बहुत ही अलग अलग स्टाइल में मामा जी का फोटो सब ये देखिए एक फोटो। अच्छा इसमें पेंट करवा लिए मामा जी अपना दाढ़ी। और ये देखिए अरविंद केजरीवाल पोज में थे उस समय जब केजरीवाल अपना मफलर बांध करके या टोपी पहन करके चला करते थे, वो एक पोज था। और साथ में ये देखिए अलग सा है एक, और ये एक यंग एज का है जो ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिख रही है हमारे मामी श्री, और मामी श्री ने मामी जी। और इधर मामा जी और उपासना, तो ये जो उपासना है वो उस समय छोटी थी और अब देखिए इसका लुक। तो पहले यहाँ किरण बेदी के लुक में थी और अब जो है अलग लुक है इसका। अच्छा सीलू तुम भी अपना सब रखिए बचपन का सारा। नहीं भैया ये हम बड़े होने। अच्छा बड़ी होने के लिए बचपन का मेरा फोटो नहीं होगा। तब भी लग रहा है मैट्रिक इंटर का है सब। हाँ इसके पीछे। अच्छा अच्छा हाँ एक है सीरू का, हुआ ये फोटो मेरे पास है एल्बम में रखा हुआ। इधर हम आपको दिखाते हैं जी अपने नाना जी को, ये हमारे नाना जी और ये नानी जी। ये नानी का फोटो तो आप हमारे यहाँ देखते होंगे जहाँ पर सिल्वर प्ले बटन लगा हुआ है, ठीक उसी के बगल में नानी जी का भी फोटो है। तो इतने सारे लोग हैं ही जी, तो सभी लोग अपने भाई बहन सब जो है मजे में हैं। और साथ में जो है एक और भाई हमारा आने वाला है जिसका नाम हम लोग जो है निशांत है, उसे हम लोग जो है घरेलू नेम क्या बोलते हैं बुलती है। बिल्कुल ननद भाभी अपना इधर मगन है। तो ये हमारी मामी जी है, काफी अच्छा लगा दी सभी से मुलाकात करके और कई वर्षों बाद जो है यहाँ पर मुलाकात हुई है, कानपुर आए हैं। पुराना माहौल लगता है कि आज भी ताजा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा करते हैं जी इस ब्लॉग को आप यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको मजा आ रहा होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।